जबलपुर शहर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रंजन शर्मा के पार्टी मुख्य कार्यालय पर गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल शारदा रोड पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। शहर के कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने महामहंगाई भाजपा लाई पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा और अन्य दल प्रदेश में जाति धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस लोगों के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो पुरुष और स्त्रियों में भेद पैदा कर रही है। महंगाई को लेकर भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि लोगों की जेब खाली हो गई है, लेकिन योगी सरकार महंगाई पर बात नहीं करती। हार्दिक पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म और जात की राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस मुद्दों के आधार पर राजनीति करती है। महामहंगाई भाजपा लाई मुद्दे पर आयोजित इस प्रेस वार्ता में पूरे मेरठ शहर से आए हुए मेरे पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में वहाँ की विभिन्न पार्टियाँ धर्म और जाति के नाम पर चुनाव लड़ने का प्रयास करती है, परंतु उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इसी मुद्दे पर आज आपसे विभिन्न चर्चाएं और बातें करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 7 साल से जब से नरेंद्र मोदी जी ने अपना शासन दिल्ली में संभाला है तब से महंगाई इतनी हावी हो चुकी है कि पूरे देश प्रदेश के लोग, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे वो गरीब परिवार हो, चाहे वो किसी भी मेहनत कश परिवार हो, सभी लोग महंगाई से परेशान और दुखी हैं। सुबह जब कोई व्यक्ति उठता है तो चाय के लिए गैस चालू करता है तो गैस की जो दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते गए, वहां से लेकर शाम तक सोने तक वो महंगाई का सामना पूरा दिन करता रहता है। जब उत्तर प्रदेश में सरकार को महंगाई पर बात करनी चाहिए थी तब उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अन्य पार्टियां हो, कांग्रेस के छोड़ के वो किसी भी पार्टी ने मध्यम वर्गीय परिवारों के हितों पर महंगाई को लेकर किसी भी प्रकार की बात नहीं की। जब मोदी सरकार और योगी सरकार ये दो शब्द जुबा पर आते हैं तो आम आदमी अपनी जेब पर हाथ डाले तो पूरी जेब खाली दिखती है। मोदी जी एक तरफ आमदनी कम कर रहे हैं, ऊपर से महंगाई का गम हम सबको दे रहे हैं और इसी मुद्दे पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी विभिन्न बातों को लेकर अलग अलग शहर में जाती है। हम सब जानते हैं कि गैस का सिलेंडर 1000 के पार हो गया, जब खाना बनाते वक्त खाने में तेल डालते हैं तो पता चलता है कि तेल 200 के पार हो गया, दाल 200 के पार हो गई और पेट्रोल डीजल की तो बात ही छोड़ दी जाए। तो इसी मुद्दे पर हम जहां जहां पर महंगाई को लेकर बात करते हैं तो भाजपा के राज में करोड़ों रुपए आम जनता के टैक्स के नाम पर लिए गए,